हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास सेवन्थ का एनसीईआरटी मैथ। और आपसे निवेदन होगा कि आप इस क्लास को एंड तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने दिख रहा है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। बस इंग्लिश मीडियम वाले बुक में यहाँ पर ज्ञात कीजिए कि जगह लिखा होगा साल द फॉलोइंग क्वेश्चन या फिर कुछ भी लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। 1/4 का 1/4 लिखा है, वहाँ पर होगा 1/4 ऑफ 1/4। इंग्लिश मीडियम में इतना ही अंतर होगा, बाकी क्वेश्चन वही होंगे। तो बहुत ही आसान है। देखो, मैंने आपको पहले सुनाया है और पढ़ाया है बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग आप जानते हो का मतलब होता है गुड़ा। देखो, कुछ लैंग्वेज हैं जिनको आपको समझना होगा, ठीक है? तो भैया ये जान लो, का मतलब होता है गुड़ा और कुल का मतलब होता है जोड़। कुल का मतलब होता है जोड़, अंतर का मतलब होता है घटाना। ये जान लो शब्दों के अर्थ गणित भाषा में और हिंदी भाषा में इनके क्या रिलेशन है, तब आपके लिए बेहतर होगा। अब चलो आगे चलते हैं। का मतलब गुणा, यानी कि 1/4 का 1/4, मतलब 1/4 गुणे 1/4, इसका आंसर आएगा 1/16। बात समझ गए ना? फटाफट आप सभी इसे लिख लो, कोई कन्फ्यूजन हो तो निसंकोच आप बता सकते हो। 3/5 का 1/4, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी वही हुआ, 3/5 गुणे 1/4, ठीक ना? बस ऐसे कर लो, 3 × 3 और ये 5 × 4 = 20, तो कितना हो जाएगा? 3/20। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, है ना? कितना हो गया? 3/20। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 4/3 गुणा 1/4। इसको कैसे करोगे? देखो, इसमें सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 4 से 4 आपको काट देने हैं तो आपके पास बचेगा 1/3। क्या बचेगा? 1/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपके तीन क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से नीचे जो 4-5 दिया है वो आप खुद से कर लेना। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। भैया, कहने का ये मतलब है आप इसको गुणा करिए, अगर संभव है तो न्यूनतम रूप में बदलिए, अन्यथा रहने दीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं गुणा। क्या करना है? 2/3 गुणा 2 सही 2/3। इसमें देखो मिश्र संख्याएं भी शामिल हैं, कहने का मतलब मिश्रित भिन्न भी है और प्रॉपर यानी कि इम्प्रॉपर दोनों भिन्न हैं। तो देखो इसका मतलब समझो, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं 2/3 गुणे, ये देखो 3 × 6 × 8, ये हो जाएगा 8/3। बस ये साधारण भिन्न में हो गया एक प्रकार से ना। मतलब कौन सा भिन्न हो गई है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। दोनों भिन्न जो हैं उसमें एक अनुचित है, एक उचित भिन्न है। अब इनको न्यूनतम रूप में बदलो कह रहा था, अगर संभव है तो। तो भैया ये संभव है कहीं से? देखो नीचे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, ये 8 है, 2 है। नीचे की किसी भी संख्या से ऊपर की कोई संख्या नहीं कटेगी ना, ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या कटेगी, तो संभव नहीं है इसे न्यूनतम रूप में बदलना। गुणा कर लो, ये हो जाएगा 9/16, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखो जो कह रहा था कि इनको हल कीजिए और न्यूनतम रूप में परिवर्तित कीजिए यदि संभव है तो। तो संभव का मतलब ये है कि देखो यार, अगर ये कट पिट रहा है तब आप इसे बदल सकते हो, जैसे दूसरे में होगा संभव। कैसे? दूसरे में अगर आप देखो तो लिखा है 2/7 × 7/9, ये लिखा है ना, इसमें क्या करना है, इसमें आप 7 से 7 काट सकते हो, तो ये 2/9 क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया, 2/9 आंसर हो गया, ये आपका न्यूनतम रूप भी हो गया और जो कह रहा था वो भी हो गया। इसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन देखें तो इसको भी आप कर सकते हो, इसको भी सब कर लेना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो निसंकोच आप कमेंट करना, अगर YouTube पे देख रहे हैं तो। अगर आपने क्लास को ज्वाइन किया है तो आप निसंकोच क्वेश्चन लिख करके WhatsApp पे भेजिए, आपको जल्दी से जल्दी इसका सलूशन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो भैया ये तो बहुत सिंपल सा है, बच्चों वाला सवाल है ये, आप तो बूढ़े हो गए हो ना। देखो इसको कैसे करोगे, 2/5, पहले तो जो ये लफड़ा वाली भिन्न दिख रही है इसको समझ लो। ये जो 5 × 1/4 है ना, ये मिश्रित भिन्न है, इसे आप बदल लो। प्रॉपर तो नहीं बदलेगा ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी अनुचित भिन्न में, ये हो जाएगा 5 × 20 = 21।
इसका मतलब है 21/4 कितना है, 21/4। तो चलो हम करते हैं, अब 2/5 गुणा ये हो जाएगा 21/4। बस इसी को आपको हल कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, न्यूनतम रूप में बदल देना है, इसी आपका आंसर हो गया। चलो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और ये कटेगा कुछ नहीं, कटेगा कहीं नहीं कटेगा। तो ऊपर क्या आया, 1/5 ना, कितना आया 1/5 इंटू 21/2, ये 5 है याद रखना, क्या है 5। गुणा करो फटाफट, जल्दी से कर लो तुरंत बिना देर करे हुए। तो 21 का 1 में गुणा हो जाएगा 21, 5 का 2 में हो जाएगा 10, 21/10। अब ये न्यूनतम भिन्न में बदलना संभव नहीं है, क्योंकि 21 एक भाज्य संख्या तो है लेकिन ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है। सम विषम में कोई रिलेशन नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग समुदाय के होते हैं, इनमें कोई भी रिलेशन संबंध नहीं होता है कि ये कट पिट जाएँ एक दूसरे से मर मिटें, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये 21/10 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें और भी कोई क्वेश्चन जो ऊपर दिए गए हैं तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सब सिंपल से हैं। देखो बता ही देता हूँ, इसको देखो 6 × 2/5 × 7/9, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो 6 × 5 = 30 और 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 32/5 × ये हो जाएगा 7/9। इसे आपसे कह रहा था पहले क्वेश्चन में कि यदि संभव है तो न्यूनतम रूप में बदलिए, तो भैया संभव है, इसे बदल लो अगर कट पिट रहा है तो। देखो ऊपर से कोई संख्या नीचे की संख्या से कटेगी, नहीं कटेगी, ऊपर 32 है जो कि सम संख्या है, नीचे कोई सम संख्या नहीं है, इसलिए कोई भी विषम संख्या कभी किसी सम संख्या से नहीं कटती है। चाहे जहां आप काट पीट के देख लो, कभी भी सम संख्या विषम संख्या से नहीं कटती है, चूँकि ये अलग अलग समुदाय के होते हैं। जैसे आप देखते हैं हमारे भारतीय समाज में, हिंदू मुसलमान में शादी जो अगर होती है ना तो उसे अनुचित माना जाता है। वैसे फ़िलहाल हमारे भारतीय संविधान के अनुसार तो नहीं अनुचित माना जाता है, लेकिन समाज में माना जाता है ना। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यहाँ नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये कटेंगे नहीं आपस से, कुछ भी नहीं होंगे, तो फिर सवाल ये है कि भैया होगा क्या, इसका उत्तर कितना आएगा अगर ये नहीं कटेगा तो। तो गुणा कर लोगे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 7 × 32 में कर लो, 7 × 32 में करोगे तो 7 × 2 = 14 हासिल 1, 7 × 21 = 22 यानी कि बनेगा 224, नीचे 5 × 9 = 45, ये इसका आंसर आएगा। लेकिन कह रहा था न्यूनतम भिन्न में बदलिए, तो 224 को आप 45 से भाग करोगे, इसको भाग कर लो, भाग कर लो, फिर ये सही बटा में फिर से आएगा, ठीक है, कर लेना इसको, आप जानते हो इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। इसे मिश्र भिन्न में बदल लेना फिर से भाग करके, बस उसके आगे कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो बची हुई और भी क्वेश्चन है इसमें 2, 3, 4, इनको घर से कर लेना, चाहे घरे बैठ के करना चाहे दुआरे बैठ के करना, लेकिन कर लेना ज़रूर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन बड़ा है, कौन बड़ा है मतलब कि ये भिन्न हमें निकालनी है, उसके बाद उनकी तुलना करके समझना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। 3/4 का 2/7, देखो यार इसको ऐसे हल कर लो बिना कहीं लिखे, 3/4 का 2/7 मतलब ये 2 से कट जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ये 3 × 3 और ये 7 × 2 = 14, 3/14 आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3/8 आएगा। अब ये आप इसी में दिमाग लगा लो, खूब दबड़ा लो कि भैया 3 बिस्किट है, 8 बच्चों को बांटना है, और दूसरे में 3 बिस्किट है, 14 को बांटना है, तो किसमें ज़्यादा ज़्यादा आएगा। बिस्किट तो समान है, बच्चे जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें कम मात्रा मिलेगी, यानी 3/8 बड़ा है, जो कि दूसरी वाली का मान था, बगल वाले का ना, यानी हम कह सकते हैं कि ये बड़ा है इधर वाला, ये बड़ा है जो मैंने घेरा है, और जो ये मैं बना रहा हूँ दूसरा वर्ग चिन्ह, ये छोटा बेचारा, ठीक। तो इसी तरह का आप इसका ये भी कर लेना, जो दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, इसको भी कर लेना और फिर हमें बताना कमेंट करके फटाफट। हाँ अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल वाला आता है, मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन आता है, अभी तक जो था ना वो बिना दिमाग वाला क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा ये वीडियो एक बार धुंधला होता होगा ना, कोशिश करेंगे नहीं होगा। चलो कह रहा कि सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। सैली भैया किसी लड़की का नाम है, गर्ल्स का, बगीचा मतलब गार्डन, वो 4 छोटे प्लांट यानी कि मिनी प्लांट को क्या करती है, पंक्ति मतलब होता है लाइन में, एक सीधे में लगा रही है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो पूरा कहानी समझो क्या है इसमें मसला, उसके बाद ही आप इसको कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलो
सली अपने बगीचे में चार छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी भैया 3/4 है। मतलब समझो 3/4 मीटर का मतलब क्या हुआ। चार पौधे वो लगा रही है तो दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की जो दूरी है वो 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी बताओ। चलो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से हम समझ लेते हैं। सैली एक लड़की है जो कि एक लाइन में चार पौधे लगा रही है। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये लाइन है जो मैंने बना दिया है, इसमें चार पौधे लगाने की अब हम जगह बना लेते हैं। तो मान लो कि पहला पौधा यहाँ पे लगता है जिसका नाम ए है, दूसरा पौधा यहाँ पे लगता है बी है, यहाँ पे सी है और ये है भैया डी। कह रहा है कि दो पौधों के बीच की जो क्रमागत दूरी है वो 3/4 मीटर है। 3/4 मीटर का मतलब ये हुआ 0.75 मीटर है। ठीक है, मतलब कि पौधे इतनी इतनी दूर पे लगाए जा रहे हैं, उनके बीच की जो दूरी है छोटी सी वो 0.75 मीटर है। हर एक पौधे के बीच की दूरी यही होगी क्योंकि वो बराबर बराबर दूरी पे चार पौधे लगा रही है। तो देखो 1, 2, 3, 4 चार पौधे हो रहे हैं, इसमें तीन ही के बीच की दूरी का मतलब है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगी। तो भैया सिंपल सी बात है यार, ये टोटल लाइन अगर हम देखें तो इनको जोड़ोगे 0.75 0.75 0.75, तो जोड़ के देखो क्या होता है। एक बार जोड़ के देखो, 3 बार जोड़ोगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 225 आएगा ना। 225 क्या आएगा, ये 225 आएगा। अगर देखोगे तो 2.25 लगभग आ रहा है ना। देखो इसे थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ सकते हो इस आकृति के माध्यम से, वैसे आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था ना। देखो सिंपल सी बात है, अब आपको एक मतलब सेकेंडों में आ जाएगा समझ में। देखो भैया ये चार पौधे हैं, ये आकृति ने लगाए हैं, ये फर्स्ट सैपलिंग है, सेकेंड सैपलिंग है, थर्ड है और ये फोर है। इनके बीच में 3 गैप है, पहला गैप है, दूसरा है, तीसरा गैप है। और ये भी कह रहा है कि एक दूसरे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो भैया गैप इसके बीच का जो है वो 3/4 है, और ये गैप कितनी बार है, 3 बार गैप है ना, ये 3 बार है। तो इसे आप सिंपल सी बात है ऐसे भी कर सकते हो, 3/4 × 3, या फिर 3 × 3/4 वही मतलब हुआ, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये 9/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/4। अगर इसे आप भाग करोगे तब भी वही आएगा जो अभी मैंने निकाला था, 2.25 मीटर लगभग आएगा। लेकिन इसे हम दशमलव में ना लिखते हुए अगर चाहें तो हम भिन्न में लिख सकते हैं। तो भाग करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, प्रॉपर जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिश्र फ्रैक्शन में चेंज होगा। तो 2 × 1/4 मीटर इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, 2 × 1/4 मीटर, बस यही लिख लो, 2 × 1/4 मीटर, हो गया बात ख़त्म। कितना आसान है ना, बहुत आसान है अगर समझोगे तो। मैथ बहुत ही आसान है यार। अगर इस वीडियो को आप YouTube पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। और अगर आप ऐप में देख रहे हैं PVR स्टडी के अंदर, तो भैया PVR स्टडी ऐप को अपने मोबाइल में बनाए रखना और नोट्स ज़रूर बनाना जिससे कि आप बाद में इसे पढ़ सको। देखो अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लिपका रीड्स अ बुक फॉर 1/3 upon 4 hour, 1/3 upon 4 hour एवरी डे। सी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 days, हाउ मेनी आवर इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। कहने का ये मतलब है कि लिपिका एक लड़की है जो हर दिन 3/4 घंटे एक बुक को पढ़ती है, और इस तरह से वो पूरा बुक को पढ़ने में 6 दिन का समय लगाती है। तो कह रहा है कि लिपिका ने पूरी किताब पढ़ने में कुल कितने समय बिताए। तो भैया 6 दिन का ये मतलब नहीं कि 24 × 6 कर दो बस इतना समय बिताए हैं, नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे किताब नहीं पढ़ती थी, वो एक दिन में सिर्फ 3/4 घंटे पढ़ती थी। मतलब 4 × 4 = 3, 7/4, यानी वो लड़की जो थी वो 7/4 घंटे हर दिन बुक पढ़ने में लगाती थी अपना, और इस तरह से उसने 6 दिन में बुक को ख़त्म किया है। तो भैया बहुत आसान है, सिंपल सा यार, 7/4 × 6 कर लो, बस कर लो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 7 × 3 = 21/2, यानी उसने 21/2 घंटे किताब पढ़ने में कुल लगाए हैं। इसे हम बदल लेंगे जब सही भिन्न में, तो आप पाओगे 10 सही 1/2 घंटे का टाइम लिपका ने
उस पूरी किताब को पढ़ने के लिए 6 दिन में खर्चे किए हैं, ठीक ना। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार समझना है। अगला क्वेश्चन भी वैसे है, कह रहा कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 × 3/5 लीटर ऑफ पेट्रोल। कहने का ये मतलब है कि एक कार जो कि रन मतलब दौड़ती है, कितना दौड़ती है, 16 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल पी करके, भैया वो 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो कह रहा कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इफ़ यूजिंग 2 × 3/4 लीटर पेट्रोल, यानी 4 × 2 = 8 अगर पेट्रोल पिलाएंगे, 11/4, तो कितना दूर जाएगी, कर लोगे कि नहीं इसको। बहुत आराम से कर लोगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल 11/4 है ना, नंबर ऑफ किलोमीटर इन कार रन, तो भैया ये देख लो आपके सामने है, कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर हो जाएगा, कितना 44 किलोमीटर। क्या करोगे, 11/4 को 16 से गुणा कर दोगे, 11/4 को क्या करोगे, 16 से गुणा कर दोगे, ठीक ना, क्योंकि 1 लीटर में वो 16 किलोमीटर जा रही है, तो 11/4 से कितना जाएगी, 3 जो भी 48 आएगा। देखो इसको ऐसे समझ लो भैया, सिंपल सी बात है, 1 लीटर पेट्रोल में अगर वो 16 किलोमीटर जा रही है, तो आप कहोगे 2 लीटर में कितना जाएगी, 2 × 16 ना, यही तो करोगे ना, मतलब वो 2 लीटर में 32 किलोमीटर जाएगी। 3 लीटर में कितना जाएगी, 3 × 16 करोगे ना, मतलब 48 जाएगी ना। तो यार जब ये जान रहे हो तो आपसे पूछें कि 11/4 लीटर में कितना जाएगी, तो 11/4 × 16 कर दो बस, 4 × 16 = 44 किलोमीटर, यानी वो कार 44 किलोमीटर जाएगी, समझ गए ना, ठीक है। तो चलें आगे, चलिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड, सिंपल सा है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि आपके सामने दिख रहा है इंग्लिश मीडियम में, इसे हिंदी में समझ लो, 8वां क्वेश्चन है ये। कह रहा प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स, ये जो बॉक्स बना है इसमें एक नंबर प्रोवाइड करिए सच, जैसे कि ऊपर दिया गया। देखो इसका मतलब समझ लो, सच दैट कैसे क्या करना है। कहने का ये मतलब है कि 2/3 है और फिर एक बॉक्स बना 10/30, इसमें क्या भरेंगे कि 10/30 आ जाए। कुल मिला के सीधी सी बात है, एक बात 100 बात की एक बात, कि 2/3 में हम किससे गुणा कर दें कि 10/30 आ जाए। तो इसे तो बड़ा आराम से कर लोगे यार, किससे गुणा कर दें 10/30 आ जाए। तो यार सिंपल सी बात है भैया, 10/30 लाने के लिए आप किससे गुणा करोगे, देखो 2 पूरा पूरा कट जाए, कहने का मतलब है ना, कौन सी ऐसी संख्या जिससे हम एक गुणा कर दें तो 10/30 हो जाएगा, 5, 15, 20 किससे करें, सोच के बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/10, 5/10। कहने का मतलब यह है कि 2/3 में अगर हम 5/10 से गुणा करेंगे तभी हमें 10/30 मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इसे आप बोल सकते हो भैया कि 10/30 लाने के लिए 5/10 से गुणा करेंगे, यही उत्तर है, समझ गए। तो बस ये ऐसे ही था ये, इसमें और बाकी कोई और कहानी नहीं है। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही, आप नीचे आंसर भी देख सकते हो, लगभग वैसे ही सब कुछ होगा, इसमें कोई और भी क्वेश्चन नहीं है। बाकी जो भी और भी क्वेश्चन है उनको आप आराम से कर ले जाओगे, एक्सरसाइज 2.4 है। अगला चैप्टर नेक्स्ट, जिसे हम अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन इसको हम बता दें आपको एक भाषा में, सरल भाषा में। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, तो थोड़ा ब्लर होगा तो देखना, टेंशन नहीं लेना। देखो यार सिंपल सी बात है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये 12 है डिवाइड बाई 3/4 है, तो भाग का सवाल करना जानते हो, भाग का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह लगाते हैं, तो ये 12 × 3/4 था वो 4/3 हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 × 4 = 12, कुल मिला के ये हो जाएगा 4 × 16 आंसर आएगा, समझ गए ना। देखो यार जो गुणा का चिन्ह लगा है वहाँ पे क्या करोगे, सॉरी भाग का चिन्ह जो लगा वहाँ इसे गुणा लगा दोगे, और जो भिन्न 3/4 थी उसे 4/3 कर दोगे, पलट जाएगी, बस इतना ही करना है, आंसर कटाकट आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आप 2 पॉइंट जो भी है, ये अगला 3 या 4 जो भी है, इसका अगला भी क्वेश्चन कर लोगे, जितने भी हैं सब कर लेना और फिर बताना हमें, ठीक है। चलो देखो इसे हिंदी में समझ लो एक बार फिर से, आपके सामने दिख रहा जो भी है ना, 12 / 3/4 है, तो इसमें क्या करोगे यार, भाग का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह लगाओगे, 3/4 की जगह 4/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 × 16 3 × 12 तो 4 × 16 इसका आंसर आ जाएगा।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है दूसरा, वो कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण भिन्न इत्यादि में बदलिए। यानी जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको पहले आप व्युत्क्रम बनाओ, इनका उल्टा करो, उसके बाद फिर इनका बताओ कि ये किस प्रकार की भिन्नें हैं। उसके लिए आपको सभी प्रकार के भिन्नों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो पहली भिन्न का क्या है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो 3/7 है तो ये 7/3 इसका व्युत्क्रम होगा। क्या होगा? 7/3। आगे क्या उचित भिन्न अनुचित भिन्न, उचित भिन्न अनुचित नहीं, यहाँ पे विषम भिन्न बोल रहा है। उचित भिन्न और विषम भिन्न तथा पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो भैया जिसका हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है, वो विषम भिन्न होती है। तो ये विषम भिन्न है, ठीक है। क्या है? विषम भिन्न है। इस तरह से जो 5/8 है, ये 8/5 बन जाएगा। तो इसका भी हर छोटा है, अंश बड़ा है, ये भी क्या है? विषम भिन्न है। तो जितनी भी इस तरह की भिन्न है वो विषम भिन्न है। जैसे 1/11 है, ये हो जाएगा 11/1। तो ये देखो हर ऊपर वाली गिनती बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो ये भी विषम में जाएगी यार। हाँ, ये देखो जो है 12/7, ये जब बदलेगा तो ये 7/12 चला जाएगा। मतलब ये उचित भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उचित भिन्न। तो इस तरह से होता है इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो अगला है देखो, तीसरा इसको भी आप कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है। चौथा भी कर लोगे, चूँकि मैंने भाग वाला बता दिया है। चौथा एक बार मैं और बता देता हूँ। चौथा में क्या है? 2/5 / 1/2 है। तो यार सिंपल सी बात है, 2/5 भाग का चिन्ह हटा के गुणा लगाओगे, जो 1/2 था ये हो जाएगा 2/1। यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो 2 जाए ये 4/5 आएगा। क्या आएगा? 2 × 4/5। इस तरह से चौथे के जो और भी पार्ट्स हैं इन सबको करना है और कोशिश करना है एक बार। यार कोशिश करोगे तो सब कुछ होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। आप बहुत दिन से जानते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन टाइप पे चलेंगे, जिसका हेडिंग हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। पहले से एक दिन अपडेट कर देंगे कि आगे क्या पढ़ाना है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग रेडी रहना, ठीक है। तो 2.4 यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अगली क्लास में हम चलेंगे डेसिमल वाला पढ़ेंगे 2.5 में। तब तक के लिए इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते निवेदन होगा, अगर आप इसे यूट्यूब पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अन अकेडमी पर हमें फॉलो करें, ट्विटर पर ज़रूर फॉलो।